हाउ टू बिकम अ लॉयर, ये वाला वीडियो देख के आप लॉयर तो बन गए, लेकिन लॉयर बनने के बाद भी आपको अराउंड 48 आवर, आप लॉ स्टूडेंट बनोगे उसके बाद 48 आवर्स बाद आपको एक बार एग्जाम देनी पड़ेगी, फिर आप लॉयर बनते हो। बट लॉयर बनने के बाद लॉयर का काम क्या होता है? देखो लॉयर के बहुत काम होते हैं, हर एक काम के अलग अलग वीडियोस में बनाऊंगा, लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है सुपीना एंड केस फाइल्स के ऊपर। अभी मैं आपको एक आसान बोंडा बोटा अगर इस चीज़ के बता दूँ, समझो अगर आप नहीं किसी कोई बंदा एक आरपी सिचुएशन में है जहाँ पर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ अभी जो जिस चीज़ का मैंने सुपीना और केस फाइल बनाई थी उसका एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरा जो क्लाइंट है वो फार्म कर रहा था, फार्मिंग, एंड वहाँ पर उसने अपनी गाड़ी एक पार्किंग जोन में पार्क की थी, बट एक FIB ऑफिसर ने उसको पार्किंग जोन में इल्लीगल पार्किंग के ऊपर फाइन दे दिया 10,000 का, जिसकी वजह से वो जो मेरा क्लाइंट है वो कैपिटल पे आया था। कैपिटल पे आके मुझे बोला कि ऐसा ऐसा सीन है, प्लीज हेल्प मी। तो ये सिचुएशन में मेरा काम क्या बनता है, मैं उससे बात करूं, एक सुपीना और केस फाइल बनाऊं। लेकिन उससे पहले भी एक, अभी इसका एक प्रोसीजर की जाती है। अभी समझो फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल में खड़ा हूँ, ठीक है, अभी यहाँ से एक्चुअल प्रोसीजर में स्टार्ट कर रहा हूँ, कैपिटल में खड़ा हूँ, एक बंदा मेरे पास आता है, द क्लाइंट, माई क्लाइंट, जिसका नाम हम रखते हैं हमा, HAMA, ठीक है, वो जो मेरा एक्चुअल क्लाइंट है। तो वो आता है मेरे पास, वो आके बोलता है कि ऐसा सिचुएशन हुआ कि मैं फार्मिंग कर रहा था एंड आई गॉट अरेस्टेड, या फिर बोलते हैं आई गॉट फाइंड, ठीक है, फॉर लीगल पार्किंग। अगर ऐसा वो बोलता है देन इन दैट सिचुएशन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद दैट गाय। लॉयर का फर्स्ट सबसे बेसिक जो काम होता है वो होता है साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैं अभी आपको है ना मेरा लॉग दिखाता हूँ, ठीक है, ये मेरा SSA का लॉग है, मतलब सीनियर स्टेट अटॉर्नी लॉरा डिसूजा, ये मेरा लॉग है, मैं आपका भी दिखा रहा हूँ। इसमें एक केस फाइल होती है, ठीक है, उससे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो है आपका साइनिंग। अभी देखो ये जो हमा है, हमा रिमेक्स, ठीक है, ये बंदा जो 51 इयर्स का है सिटी में, इस बंदे का केस था जिसको मैंने साइन, पहले आपका इंपॉर्टेंट काम आता है कि साइनिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हैंड ओवर डिफेंसिव कॉन्ट्रैक्ट टू हमा अली विद अ पेन, ठीक है, वो साइन द कॉन्ट्रैक्ट, यहां से आपका एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टिंग चालू हो चुका है। अभी जैसा उसने कहा था, सिमिलरली आपको जैसा उसने जब जो भी कहानी कही है, ठीक है, वो चीज में ही आपको एक सुपीना और एक केस फाइल फाइल करनी है। अभी मैं आपको एक सुपीना और केस फाइल कहां फाइल करनी है, देखो गूगल डॉक का जो डॉक होता है उस पर आपको केस फाइल और सुपीना मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको इसका एक फॉर्मेट होता है, वो कहां पर मिलेगा, आप जैसे अपने मेरे लॉग से थोड़ा हटके मैं आपको बताता हूँ, यहां पर आपको मिलने वाला है DOJ फॉर्मेट, इधर आपको लिंक मिल जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ लॉयर्स को ही दिखते और किसी को नहीं दिखते। ये सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो मैं इसको इसमें से कौन सा भी खोल नहीं सकता, बिकॉज अभी देखो फॉर एग्जांपल अगर मैंने सुपीना और केस फाइल खोल दी तो एक टेम्पलेट है ये कि टेम्पलेट दिखता कैसे, बट मैं आपको दिखा नहीं सकता टेम्पलेट, बट टेम्पलेट में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, बट हाँ इट इज वॉट इट इज, ठीक है। अभी देखो मैं आपको सुपीना दिखाता हूँ, ये सुपीना सॉरी ये केस फाइल है, ठीक है। केस फाइल में कैसा होता है, DOJ मतलब मेरा डिपार्टमेंट हो गया, 15/06/24 होता है डेट, 15 का डेट, 15th of June 2024, HR मतलब वो बंदे का नाम हमा रिमेक्स, ठीक है। अब ये केस फाइल होती है, ठीक है, जिस बंदे के अगेंस्ट, जिस बंदा है जो पेनल्टी डिफेंडी है वो, फिर किसके अगेंस्ट है, FIB बेसिकली जो FIB का एजेंट है अंकुर का वो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव, मतलब मैं बनूंगा लॉरा डिसूजा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है केस नंबर, फिर आता है कब ये फाइल्ड की गई थी कंप्लेंट, फिर उसके बाद ओथ आता है मेरा, एंड देन उसके बाद फिर ये बेसिकली जो फॉर्मेट आपका वैसा भरना है। अभी यहाँ पर एक फॉर्मेट में रिक्वेस्टिंग आता है बॉडी कैम फुटेज, हमेशा सुपीना में बॉडी केस फाइल में और सुपीना में हमें हम हमेशा बॉडी कैम फुटेज मांगते हैं। तो बॉडी कैम फुटेज में क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि सामने वाला पर्सन का ब्लैक मैजिक हो सकता है, कि बोलते हैं ना उसका गेम का इशू हो सकता है, कि उसको गाड़ी किधर और दिख रही है बट वो एक्चुअली किधर और जगह पे है। आपने भी नोटिस किया रहेगा, आप किसी बंदे पे जी दबा रहे हो तो दिखा था प्लेयर इज नॉट नियर यू, बट एक्चुअली वो आपके सामने खड़ा है, तो कुछ नहीं, आपका नेट का इशू होता है। तो सिमिलरली आई वॉन्टेड टू चेक कि जो अंकुर है इसका कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम था या कुछ, उसको ब्लैक मैजिक हो रहा था क्या नहीं। तो फार्म के यहाँ पर इसने दिया था ट्रैफिक कोड 6.2 पार्किंग ऑन द ब्रिज और टनल विच इज नॉट अ राइट थिंग। फिर जस्टिफिकेशन था मेरा कि 10K का जो फाइन था टू माई हमा रिमेक्स, ठीक है, माई क्लाइंट। तो ये बस थोड़ा ऐसा ऐसा उस चीज के बारे में बात किया था। अब भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है एविडेंस। तो एविडेंस हमेशा अलाउड है सिर्फ इम्यूगर पे डालना, IMG और इम्यूगर। इस पे क्या आपको ऐड करना है, सबसे पहले टाइटल रहेगा वो रहेगा आपका अंकुर का, जो भी फाइन पड़ा है, ठीक है, अंकुर ने जो भी फाइन दिया है, जैसे 6.2
2.H पार्किंग ऑन द ब्ला 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 पीनल कोड जो भी है इसका, उसने पीनल कोड भी नहीं डाला, टीसीए का पीसीए, तो वो भी एक डिफर करता है, लेबर कोड को वायलेट करता है वो, बट ठीक है लेट्स गो ऑन फर्दर। सबसे पहला चीज जो आएगा वो आएगा मेरा बॉडी कैम वैलिडेशन, कि मेरा बॉडी कैम वैलिड था क्या नहीं। उसके बाद आता है कि मैंने पीडीए जो था वो सेल टावर से कनेक्ट किया था क्या नहीं। कनेक्ट करने के बाद मैं हमा को, जो हमा है मेरा क्लाइंट, उसको मैं सर्च करूंगा, एंड सर्च करने के बाद उसमें जो उसका पेनल्टी है वो किसने दिया है, अंकुर ने दिया है, चलो ठीक है अंकुर मान लिया। उसके बाद अंकुर को सर्च करूंगा कौन से ऑर्गेनाइजेशन में है, तो एफआईबी में दिखा रहा है। इसके बाद मैं ये एक और एक इमेज ऐड करूंगा जिसमें मैं मेरा जो पीडी, मेरा जो भी बॉडी कैम है वो गवर्नमेंट में सेव कर रहा हूं क्या नहीं। अगर मैं सेव नहीं करता तो मेरा बॉडी कैम इनवैलिड हो जाता है, तो केस का करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये हो जाता है, ये हो गया हमारा एविडेंस फॉर दिस केस। इतने एविडेंस आपको रेडी रखने हैं एवरी टाइम अगर आप एक केस फाइल कर रहे हो कहने। उसके बाद केस फाइल होने के बाद कंक्लूड, केस फाइल में एविडेंस हो गया, फिर लीगल एसेट्स में हो गया कि हमें उसका बॉडी कैम चाहिए फॉर ऑल दिस स्टफ। फिर कंक्लूजन में हमेशा एक चीज ऐड करना कि अगर हाई कमांड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो मेरे को एक लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम लाइक 24 आवर्स फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द सुपीना और केस फाइल, उसके बाद अगर वो मेरे को नहीं देते हैं अगर वैलिड बॉडी कैम प्रूफ, या फिर देने के बाद भी अगर वो नहीं होता है कि प्रूफ नहीं होता कि हाँ भाई वो गिल्टी है मेरा, तो उसके लिए उसको 10,000 rupees देना पड़ेगा प्लस 50,000 फॉर द कंपनसेशन देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ माय क्लाइंट का मेंटल ट्रोमा। बस ये हो गया आपका सुपीना लिख के। इसके बाद आपकी साइन आ जाती है एंड उसके नीचे आपको आपके अटॉर्नी जनरल और एससीजे की साइन के लिए जगह छोड़ना है, ये लोग साइन नहीं करते, जगह छोड़ना है। इसके बाद आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, केस फाइल तो हो गई लिख के, उसके बाद आता है हमारा सुपीना। केस फाइल क्या हो गया, वर्सेस में होता है कि हमारा डीओजे वर्सेस या फिर जो भी क्लाइंट वर्सेस एफआईबी, ठीक है ये एक फाइल है कि ऐसा चलने वाला है, दिस सेज दैट अभी चलना चाहिए, इसके लिए सुपीना बनाते हैं। सुपीना में क्या होता है, सेम चीज आती है, केस फाइल नंबर ऐड किया जाता है, डेट किया जाता है, यहां पर हम रिक्वेस्ट करते हैं बॉडी कैम फुटेज ऑफ दैट एफआईबी ऑफिसर, ठीक है अंकुर जो भी एफआईबी ऑफिसर, यहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसा क्या किया गया था, मेरे क्लाइंट को क्या क्या हरासमेंट हुई थी, मेरे क्लाइंट को क्या क्या प्रॉब्लम की गई थी, यहां पर पूरा चीज ऐड किया जाता है। आप वीडियो पॉज करके उसको रीड भी कर सकते हो इफ यू वांट। यहां पर भी स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है 10,000 एंड वो जो जो उसका फाइनिंग है एंड कंपनसेशन का जो भी अमाउंट है वो ऐड किया, यहां पर मेंशन किया जाता है $50,000 मेंशन किया जाता है, $10,000 ऑफ फाइन मेंशन किया जाता है। प्लस यहां पर और एक चीज मेंशन की जाती है वो 24 आवर्स वाला थिंग, कि ये सुपीना सबमिट करने के 24 आवर्स के अंदर एक्शन लिया जाना चाहिए, या फिर देयर कैन एफआईबी को हम लीगली कोर्ट में लेके जा सकते हैं विद अ नोटिस, ये एक होता है। यहां पर भी एविडेंस का आपको सेम इमेज जो एविडेंस यूज करते हो वो आपको ऐड कर लेना है। याद रखना एविडेंस तगड़ा होना चाहिए वरना वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद यहां पर सिमिलरली आपको जैसा है वैसा लिखने का है साइंड बाय। फिर यहां पर भी जैसा केस फाइल में होता है आपको लॉरा डिसूजा मतलब आपका जो भी रहेगा अटॉर्नी जनरल वो, फिर कि आपका अटॉर्नी जनरल हो गया, स्टेट अटॉर्नी हो गया, एससीजे हो गया, ये लिखने के बाद आपका केस फाइल और सुपीना रेडी हो गया। इसका मतलब आपका सिर्फ 20% ऑफ द वर्क इज डन। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है आप कहाँ जाओगे, जाओगे एजी के ऑफिस में, एजी के ऑफिस में जाके वहां पर आपको सबमिट करना है ये। अभी मैं आपको एक स्क्रीन शेयर, आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, देख जैसे अभी मैंने एक, ये तो हमारा एजी हो गया, यहाँ पर एक बॉडी कैम देखो यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पर कैसा होता है कि मैं ना जो केस फाइल है, ठीक है लाइक सबमिटेड केस फाइल एंड सुपीना ऑन एजी टेबल, ये एजी का टेबल है, एजी अवेलेबल नहीं था तो मेरे को उसको टेबल पर रखना रहता है। ये एक आरपी कमांड है, अगर ये आप भूल जाते हो करना तो आपका फेल आरपी में कंसिडर किया जाता है, आपको उसके लिए डिमॉर्गन पड़ सकता है। सबमिट कर दिया, केस फाइल सबमिट हो गया, आपको अभी एजी तो एजी को आपको आपको हमेशा ये सबमिट करने के बाद आपके लॉग्स में हो गया, उसके अलावा आपको ये डालना रहता है कोर्ट सबमिशंस में। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो मैं आपको दूसरी चीजें नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज इट इज क्लासिफाइड। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि नीड अप्रूवल, मैंने एजी को टैग किया है एंड एससीजे को टैग किया, केस फाइल यहाँ पर दोनों के डॉक्यूमेंट, ये जो दोनों फाइल है केस फाइल एंड वेल एज वेल एज सुपीना, ये दोनों का लिंक मेरे को यहाँ प्रोवाइड कराना है एंड मेरे को इसको लीगली सबमिट करना है, ये जो मैंने फोटो दिखाया। इसके बाद SCJ एंड AG दोनों जो मिस्टेक्स है वो मेरे को बताएंगे एंड इवन ये दोनों मुझे रेक्टिफाई करेंगे क्या क्या चीजें ऐड करनी है, ठीक है। सब चीजें होने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर AG एंड SCJ टू अप्रूव द सुपीना एज वेल एज द केस फाइल। अप्रूव होने के बाद दे अप्रूव इट बाय दिस थिंग
एजी के टेबल पे जाके, एससीजे एजी के टेबल पे जाएगा एंड एजी के टेबल पे रहेगी, ठीक है। एससीजे जो रहेगा वो ऐसा अप्रूव करता है, टेक द केस फाइल एंड सुपीना डीओजे ब्ला ब्ला ब्ला, वो जो भी सुपीना का नाम रहेगा, विद अ पेन रिव्यूज एंड साइंस एंड सील्स इट। एससीजे का हमेशा काम रहता है जो भी फाइलिंग या सुपीना जो सील करके रखना अनलेस एंड अंटिल निकाल आने तक। सील करने के बाद नाउ इट्स वर्क ऑफ एजी टू साइन इट। अभी एजी जो रहता है वो साइन करता है, वो भी मैं आपको उसका भी पिक्चर आपको दिखाता हूँ। एजी क्या करता है, एजी मेरे सामने था, यहाँ पर था बट मेरा स्क्रीनशॉट लेट हो गया। तो एजी क्या करता है, वो जो सुपीना उसके टेबल पे रखी रहती है सुपीना केस, उसको लेता है, उसको साइन करता है एंड उसको मेरे को दे देता है। अभी मेरा यहाँ से काम होता है, यहाँ पर हमारा 50% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। 50% वर्क कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो भी सुपीना केस फाइल रहेगा वो लेके आपको जाना है एफआईबी के पास, या फिर एफआईबी को अपने पास बुलाना है। यहाँ पर एको द डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एफआईबी, उसने वो आया था कैपिटल पे, जिसमें मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया सुपीना इन केस फाइल, ठीक है। आईसीली आपको हैंड ओवर करना है एंड आईसीली उसको बोलना है लेने को। उसके बाद आपको उसके पर्सनल डीएम्स में जाने हैं, पर्सनल डीएम में जाना है और उसको सुपीना और केस फाइल दोनों में से दोनों चीज भी आप सबमिट उसको दे सकते हो, या फिर दोनों में से एक भी आप उसको दे सकते हो। वो दोनों देने के बाद एको या फिर द हाई कमांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम बनता है कौन से अपने अंडर जो भी जितने भी बंदे रहेंगे हाई कमांड, उसके पास जाकर उसको जो भी है अंकुर उसको ढूंढ के उसका बॉडी कैम प्रोवाइड कराना है। अगर उसका बॉडी कैम उसको प्रोवाइड नहीं करा पाता है, बॉडी कैम फेल हो जाता है, तो वो सिचुएशन में हम जीत जाएंगे। तो यहां पर ये चीज लेने को अराउंड 24 आवर्स लेता है, जैसे सुपीना में इंडिकेट किया गया था कि 24 आवर्स है द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रूफ और टू प्रोवाइड द बॉडी कैम, ठीक है, प्रूफ दैट माई क्लाइंट वॉज गिल्टी और टू प्रोवाइड द बॉडी कैम, ठीक है। उसके बाद देखो अभी यहां पर सबसे बड़ा गेम चालू होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप कौन सा भी सुपीना सबमिट कर रहे हो और सुपीना के पहले एससीजे ने उसको सील करके रखा है, इसका मतलब एफआईबी या कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फेल करती है कि मेरा जो क्लाइंट वो गिल्टी है, क्या अगर इस चीज पे फेल करती है, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि वो जो भी सुपीना केस फाइल का जितना भी अमाउंट है या फिर जो भी मनी है वो आपके पास डायरेक्टली आना चाहिए या फिर एससीजे के पास जाना चाहिए। कोई भी दूसरा लॉयर वो चीज को ले नहीं सकता, बिकॉज दैट केस इज सील्ड एंड साइंड बाय द एससीजे। अगर कौन सा दूसरा दूसरा लॉयर लेता है तो करप्शन के अंडर कंसिडर किया जाता है एंड ही कैन फेस सर्कमस्टेंसेस। अभी ये हो गया हमारा, अभी यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, अगर मैं सिटी में नहीं रहूंगा तो इफ एससीजे इज देयर, देन जो हमारा एफआईबी के बंदा है वो एससीजे से बात करता है एंड एससीजे को पैसा दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर देखो मैं जीत चुका था बट मैं सिटी में नहीं था, तो यहाँ पर जैसे एससीजे रहता है वो बोलता है कि वो हियरिंग देता है कि डीओजे जो भी मेरा सुपीना रहेगा, एफआईबी कुल नॉट प्रोवाइड अ बॉडी कैम एंड पेड द फाइन दैट हैज बीन डिमांडेड इन द सुपीना। उसके बाद ये जो पैसा रहता है ये मेरे पास आ जाता है। मेरे पास आने के बाद मेरा अभी यहाँ पर हमारा 90% ऑफ द वर्क कंप्लीट होता है। 10% क्या है, मेरे को उस जो भी बंदा मेरा जो भी क्लाइंट है उसको मेरे को बुलाना है इन सिटी। बुलाने के बाद मुझे उसको जो $60,000 है जो भी उसका कंपनसेशन है एंड ऑल दैट स्टफ, उसको मेरे को देना है। वो देने का उसका इमेज मेरे लॉग्स पे दिखना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर मेरे लॉग पे डाला है, जिसमें मुझे अटॉर्नी जनरल और एससीजे को टैग करना पड़ेगा टू लेट देम नो कि मैंने वो पैसा दिया है ना ही खुद में रखा है। एंड आफ्टर दैट जो हमारा कोर्ट सबमिशन रहेगा वहां पर मुझे केस मेरे तरफ, देखो एससीजे एफआईबी की तरफ से केस क्लोज हो चुका है लेकिन मेरे तरफ से केस अभी भी ओपन है। जब तक मैं ये नहीं बोलता केस क्लोज्ड, ठीक है, क्लाइंट रिसीव द मनी, ये मेरी तरफ से दूसरे लियोज और दूसरे लॉयर्स अपने हिसाब से बोल सकते हैं, केस क्लोज्ड एंड क्लाइंट रिसीव द मनी, इसका मतलब केस पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इसका मतलब मेरा सुपीना एंड केस फाइल सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, उसका निकाल लग चुका है एंड एवरीथिंग इज डन, ठीक है। तो दिस इज हाउ द सुपीना एंड द केस फाइल प्रोसेस वर्क्स। इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट डू अ लाइक, एक लाइक कर देना चैनल को। एंड ऑल्सो एक मैं कंक्लूजन आपको बताता हूँ, कभी भी केस फाइल और सुपीना में गलती मत करना, ठीक है, बिकॉज ये आपको प्रॉब्लम नहीं होती, एजी और एससीजे को प्रॉब्लम होती है। वो दोनों को हाई कमांड्स को फेस करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर रियल लाइफ में भी कौन से बिजनेस में आप काम करोगे तो अगर आपने गलती की एम्प्लॉई ने तो एचआर या फिर उसके हायर मैनेजर को गाली पड़ती है। सिमिलर यहाँ पर एजी और एससीजे को गाली पड़ती है। तो कभी भी सुपीना आप बना रहे रहोगे तो मेक श्योर कि आप अच्छे से बनाओ, ठीक है। एंड सेकेंडली हमेशा सुपीना आप जो भी डॉक फाइल पे बनाते हो गूगल ड्राइव पे, उसको हमेशा डाउनलोड करके रखना। फाइल्स में जाओ,
यहाँ पर डाउनलोड एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, खुद के रेफरेंस के लिए इसको हमेशा डाउनलोड करके रखना, फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगा ये चीज, ठीक है। बाकी अगर तुमको वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आ रही है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते तुम आपसे अगले वीडियो में, जहां पर लॉयर के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टाटा बाय बाय।